एक बहुत ही प्यारा लाइन है। माँ कहती है पढ़ लो बेटा, मैं तो उड़ ना सकी, तुम तो उड़ोगे। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस जो है आपको जीके रिलेटेड टॉपिक्स पे ट्रिक प्रोवाइड करवाता है। तो आज का वीडियो जो है एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक से है, और उस टॉपिक्स का नाम है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ, यानी कौन कौन से देश के बीच कौन कौन सा बॉर्डर है जिसको सीमा कहा जाता है, उसको हम लोग याद करेंगे। और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लूसेंट के विविध का ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। और हम आप लोगों को बता दें कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम जो है अब स्टार्ट होने वाला है, एडमिट कार्ड आना आरंभ हो गया है। 5 अक्टूबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, और आपसे मैं वादा करता हूँ कि जब तक ये एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम समाप्त नहीं होगा, तब तक हमारे चैनल पे रेगुलर एक टॉपिक से वीडियो आप लोगों के लिए हम लाते रहेंगे, चाहे वो जीके का हो चाहे जीएस का हो। और अगर आप लोगों का डिमांड रहा तो रीजनिंग और मैथ्स पे भी वीडियो बनाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, भारत और चीन के बीच में कौन सा सीमा है, यानी कि कौन सा बॉर्डर है, आप बताइए। तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच सीमा है। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए मैकमोहन रेखा। अब बताइए, भारत के लोगों में ही जो है मोहन नाम का कोई रहता है, समझे, मोहन। अब मोहन जो है भारत से चीन चला गया है, तो चीन तक चिल्लाइएगा तो सुनेगा, मोहन को चिल्ला के बुलाइए, मोहन सुनो, सुनेगा नहीं ना सुनेगा, मैक लगा के चिल्लाइए, मैक लगा के चिल्लाइए, मैक मोहन, मैक लगा के चिल्लाइए मोहन, तो मोहन सुनेगा, कहाँ सुनेगा, चाइना तक आवाज़ जाएगा। चिल्लाइएगा तो चाइना तक नहीं जाएगा, लेकिन मैक लगा के लगाइए, सुनिए। तो मैक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच याद हो गया। अब नेक्स्ट है कि रेड क्लिफ रेखा जो है कहाँ है, तो भारत और पाकिस्तान के जो बॉर्डर है उसी को कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा, उसके बीच का जो सीमा है, ठीक है। तो रेड मतलब क्या होता है, रेड कलर जो है खतरा के निशानी है। तो भारत जो है किसके लिए खतरा है, पाकिस्तान के लिए भारत जो है खतरा है, रेड कलर खतरा के निशानी, यानी कि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच भारत पाकिस्तान के लिए खतरा है कि नहीं है, याद हो गया। अब नेक्स्ट है कि हिडन बर्ग रेखा किसके किसके बीच है, तो हिडन में एगो बर्ग आ रहा है, बर्ग मतलब बर्गर, तो बर्गर जो है जर्मन और पोलैंड में सबसे ज़्यादा बिकता है। तो जर्मन और पोलैंड वाला का कहता है कि जाप कीजिएगा, जाप कीजिए या जंप कीजिए, तब आपको जो है आपको मिलेगा बर्गर, जाप करना होगा जंप करना होगा। तो ज से जर्मनी या प से पोलैंड, ज से जर्मनी या प से पोलैंड, तो जर्मन और पोलैंड में कहाँ मिलेगा, बर्गर मिलेगा, यानी हिडन बर्ग रेखा जर्मन और पोलैंड में। अब नेक्स्ट है कि 38वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच है, तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, याद कैसे करेंगे। तो उत्तरी में देखिए है ऊ है, ऊ ऐसे लिखाता है, और दक्षिणी में जो है ऐसे दक्ष लिखाता है। अब एकरा ऐसे मिला दीजिए, का हो गया 38 बन गया है। तो 38वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच, याद हो गया है। अब मैगी नोट रेखा किसके किसके बीच, जर्मनी और फ्रांस के बीच, जर्मनी और पोलैंड का कह रहा था कि जंप कीजिए और चाहे जाप कीजिए तो आपको जो है बर्गर देंगे, यानी कि हिडन बर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड में, लेकिन कह रहा है कि अब जाप के जगह जाफ कीजिएगा, जाफ यानी ज से जर्मनी और फ से फ्रांस, जाप के जगह जाफ कीजिएगा तो आपको हम मैगी नहीं देंगे, मैगी नोट, मैगी हम आपको नहीं देंगे, यानी कि मैगी नोट रेखा किसके, जाप जर्मनी और फ्रांस के बीच, याद हुआ। हम नेक्स्ट है कि 49वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच, यूएसए और कनाडा के बीच जो है 49वीं समानांतर रेखा, याद कैसे करेंगे। देखिए यूएसए में यू है, यू ऐसे ऐसे नहीं लिखते हैं, यू चार हो गया, यू चार लिखा हो गया। और कनाडा, कनाडा में सी ऐसे है, एक ऐसे कर दीजिए, 49 हो गया। तो 49वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच, यूएसए और कनाडा के बीच, याद हो गया, बड़ी सिंपल है। अब नेक्स्ट है कि मेन रहीम रेखा किसके किसके बीच, रूस और फिनलैंड के बीच जो है मेन रहीम रेखा है। बाबा राम रहीम के नाम सुने हैं, नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए, बाबा राम रहीम जो है बहुत खतरनाक आदमी थे,
तो बाबा राम रहीम जो हैं रूस के कहाँ चल गए, फिनलैंड। रूस के कहाँ चल गए, फिनलैंड। राम रहीम को इतना भारत के लोग बोला कि रूस के फिनलैंड चले गए, यानी मेन रहीम रेखा कहाँ कहाँ, रूस के यानी रूस और फिनलैंड, रूस फिनलैंड के बीच का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका क्या नाम है, मेन रहीम रेखा। राम रहीम याद रखिएगा, आपको याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट है ड्यूरंड रेखा। ड्यूरंड दूर रह, ड्यूरंड दूर रह। भारत जो है किससे किससे दूर दूर रखता है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कहता है दूर रह। ड्यूरंड रेखा दूर रह, ड्यूरंड रेखा किसको किसको, अफगानिस्तान पाकिस्तान के कहता है भारत दूर रहो, नहीं तो फिर किसी आ जाएंगे तो बुखार लगा देंगे, याद हुआ है। तो हम लोग जो हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा को याद कर चुके हैं, और ये लूसेंट विविध का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमें लगा कि आपको MTS आने वाले एग्ज़ाम में पूछेगा। तो MTS का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, जब तक MTS एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होगा तब तक हम जो हैं आपके साथ बने रहेंगे। और MTS का जब शुरू हो रहा है एग्ज़ाम, तो फर्स्ट डे जो है आपके भाई का भी एग्ज़ाम है, तो याद रखिएगा जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होगा हम आपके साथ रहेंगे। आप जो टॉपिक डिमांड कीजिएगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाएगा, और आप लोगों को जो है MTS में सफल बनाने का मेरा पूर्ण विश्वास है, और पूर्ण भरोसा कीजिए, और पूर्ण जो है हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को सफल बनाया जाए MTS एग्ज़ाम में, और आप में से किन्हीं का जो है इस बार सिलेक्शन हो। सो गाइस यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो वीडियो देखने के लिए मेरे तरफ से थैंक यू।